नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको सत्यवान सावित्री की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु इस द्रौपदी के कष्ट को देखकर अत्यंत क्लेश होता है। जितना कष्ट यह उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी उठाया है? तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। उनके कोई भी संतान ना थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की बड़ी उपासना की, जिसके फल स्वरूप उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की कृपा से उत्पन्न उस कन्या का नाम अश्वपति ने सावित्री ही रख दिया। सावित्री की उम्र, रूप, गुण और लावण्य शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी और वह युवावस्था को प्राप्त हो गई। अब उसके पिता राजा अश्वपति को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा कि पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक वृद्ध तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश के पर्यटन के लिए निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता देवर्षि नारद के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा कि हे पिता, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। सालव देश में घुमतसेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में देववश वे अंधे हो गए। जब वे अंधे हुए उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। धुमत्सेन के अंधत्व तथा उसके पुत्र के बाल्यपन का लाभ उठाकर उसके पड़ोसी राजा ने उनका राज छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी एवं पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले आए और कठोर व्रतों का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वे सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर अश्वपति चिंतित होकर बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा कि राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है और उसकी आयु केवल एक वर्ष ही शेष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपना पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली कि हे तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है, अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सावित्री दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर तथा वलकल धारण कर अपने पति एवं सास ससुर जी के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया, किंतु जो समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह आज अपने पति को एक भी पल अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में जाने के लिए तैयार हुए, तो सावित्री भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने निश्चय पर अड़ी रही और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर जा चढ़े, किंतु थोड़ी ही देर में वे अस्वस्थ होकर वृक्ष से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे अपने सिर को अपनी जांघ पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप अश्रु बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा कि एक कांतिमय कृष्ण वर्ण हष्ट पुष्ट मुकुटधारी व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। सावित्री ने उससे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं?
उन्होंने उत्तर दिया कि सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र है, मेरे दूत उसे ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा है। इतना कहकर यमराज ने बलपूर्वक सत्यवान के शरीर में से पास में बंधा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा कि हे सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा हो कि तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंत्येष्टि की व्यवस्था कर, अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। सावित्री बोली कि हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही तो मेरा धर्म है, और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे आपके लोक तक भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज बोले कि सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू सत्यवान के जीवन को छोड़कर जो चाहे वह वरदान मुझसे मांग ले। इस पर सावित्री ने कहा कि प्रभु, मेरे ससुर नेत्रहीन हैं, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तू वापस लौट जा। सावित्री ने कहा कि भगवान, जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए, मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए हैं और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाते। इस पर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुमने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा है, अब तू फिर सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक बार और मांग ले। सावित्री बोली, हे देव, मेरे ससुर राजच्युत होकर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मुझे यह वर दें कि उनका राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु, अब तू लौट जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे प्रभु, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्यों का धर्म है कि वह सब पर दया करें, सत्पुरुष तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले कि हे कल्याणी, तू नीति में अत्यंत निपुण है और जैसे प्यासे मनुष्य को जल पीकर जो आनंद प्राप्त होता है, तू वैसा ही आनंद प्रदान करने वाले वचन कहती है। तेरे इस बात से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुनः एक वर देना चाहता हूँ, किंतु तू सत्यवान का जीवन वर के रूप में नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने कहा कि मेरे पिता राजा अशोकपति के कोई पुत्र नहीं है, अतः प्रभु कृपा करके उन्हें पुत्र प्रदान करें। यमराज बोले कि मैंने तुझे यह वर भी दिया, अब तू यहाँ से चली जा। सावित्री ने फिर कहा कि हे यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी, आप तो संत हृदय हैं और सत्संग से सहृदयता में वृद्धि ही होती है, इसलिए संतों से सब प्रेम करते हैं। यमराज बोले कि कल्याणी, तेरे वचनों को सुनकर मैं तुझे सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और अंतिम वर देना चाहता हूँ, किंतु इस वर के पश्चात तुम्हें वापस जाना होगा। सावित्री ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर धुमत्सेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले कि ठीक है, यह वर भी मैंने तुझे दिया, अब तू यहाँ से चली जा। किंतु सावित्री यमराज के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि सावित्री, तू मेरा कहना मानकर वापस चली जा और सत्यवान के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपने अभी ही मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे और मेरे ससुर के कुल की वृद्धि कैसे हो पाएगी? सावित्री के वचनों को सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा कि सावित्री, तू अत्यंत विदुषी और चतुर है, तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया है, तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सावित्री के निकट आते ही सत्यवान की चेतना लौट आई। इतनी कथा सुनाकर मार्कंडेय मुनि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उस पतिव्रता नारी ने अपने ससुर कुल के साथ ही साथ अपने पिता के कुल का भी उद्धार किया, इसी प्रकार यह पतिव्रता द्रौपदी भी आप सबका उद्धार करेंगी, इसलिए आप समस्त चिंताओं को भूलकर अच्छे दिन आने की प्रतीक्षा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अशुपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्त्रोत से उनका स्तवन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गईं।
उनका शिव विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अशुपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हूँ। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं उद्भासित हो रही थीं। देवी सावित्री ने कहा, महाराज तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो, क्रम से दोनों ही प्राप्त होंगे। सावित्री नामक कन्या की उत्पत्ति, विवाह, सत्यवान की मृत्यु इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गईं और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समयानुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई लक्ष्मी की कला स्वरूपा उस कन्या का नाम राजा अश्वति ने सावित्री रखा। वह कन्या समयानुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। धुमसेन कुमार सत्यवान का उसने पति रूप में वर्णन किया, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय भूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री सत्यवान की समर्पित कर दी। सत्यवान भी ससुर की ओर से मिले हुए बड़े भारी दहेज के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्ष पूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि यमराज ने उनके अंगष्ट सदृश जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के बाहर बांधकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनीपुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आती देख मधुर वाणी में कहा, धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री तुम इस मानव देह से कहाँ जा रही हो? यदि पतिदेव के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर का त्याग कर दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में ही जाने का अधिकारी है। साध्वी तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी, अतः अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी हो सकता है, अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्म पुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्धि अमृतत्व तथा श्रीहरि के सालोक्य आदि चार प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता मनु राजेंद्र शिव गणेश मुनीन्द्र तपस्वी क्षत्रिय वैश्य मलेच्छ स्थावर जंगम पर्वत राक्षस किन्नर अधिपति वृक्ष पशु किरात अत्यंत सूक्ष्म जंतु कीड़े दैत्य दानव तथा असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका स्तवन किया। फिर वह पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है, ज्ञान बुद्धि शरीरधारियों के प्राण इंद्रियां तथा उनके लक्षण एवं देवता भोक्ता भोजेता निष्कृति तथा जीव और परमात्मा ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय देने की कृपा कीजिए। धर्मराज बोले, साध्वी सावित्री कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरक प्रद है। भगवान विष्णु की जो संकल्प रहित अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहते हैं। ऐसी ही सेवा हरि भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है। श्रुति का वचन है कि श्री हरि का जो भक्त है वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी श्रुति में मुक्ति भी दो प्रकार की बताई गई है, जो सर्वसम्मत है। एक को निर्वाण प्रदा कहते हैं और दूसरी
हरि भक्ति प्रदान। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुष हरि भक्ति स्वरूपा मुक्ति चाहते हैं और अन्य साधुजन निर्वाण प्रदान मुक्ति की इच्छा करते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वही सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म कोई दूसरी वस्तु नहीं, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। वे भगवान प्रकृति से परे हैं। कर्म भी इन्हीं से होता है क्योंकि वे उसके हेतु रूप हैं। जीव कर्म का फल भोगता है। आत्मा तो सदा निर्लिप्त ही है। देही आत्मा का प्रतिबिंब है, वही जीव है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश, ये पांच भूत उसके उपादान हैं। परमात्मा के सृष्टि कार्य में ये सूत्र रूप हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप से भोजेता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृष्टि मुक्ति को ही कहते हैं। सद सत्य संबंधी विवेकी के अधिकारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक वेद हैं। घट पट आदि विषय तथा उनका वेद ज्ञान के वेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश, संयात्मक कर्मों का प्रेरक, प्राणियों के लिए दुर्निवार्य अग्नि रूप्य, अदृश्य तथा बुद्धि का एक वेद है, उसे मन कहा गया है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है। यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने के कारण शत्रु रूप हो जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप है। आंख, कान, नाम, त्वचा और जिह्वा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और वाणी आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों के भी कारण हैं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। बस से तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्रानुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञान में है। अब तुम सुख पूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहां जाऊं? मैं जो जो बातें पूछती हूं उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? पिताजी, कौन कर्म स्वर्ग पद है और कौन नरक पद? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? किस कर्म के फल स्वरूप प्राणी रोगी होता है और किस कर्म फल से निरोग, दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, वधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और नरक घाती होता है? एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी, स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है? किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है, ब्रह्मन, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है? किस कर्म के प्रभाव से उसकी गत प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और उनकी कितनी संख्या है और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? किस कर्म के फल से प्राणियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्दत हो गए। धर्मराज ने कहा, प्यारी बेटी, अभी तुम हो तो अल्प वय की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से सावित्री जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, राधा श्री कृष्ण के, सावित्री ब्रह्मा के, मूर्ति धर्म के, सतरूपा मनु के, देवभूति कर्दम के, अरुंधति वशिष्ठ के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, सची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वाहा अग्नि के, स्वदा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी
वरुण की, दक्षिण यज्ञ की, पृथ्वी बारा के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिय बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया माँ भागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, माँ भाग, सत्यवान के औरस अंश से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, यही मेरा अभिलषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों, मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुनः राज्य से प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ में बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊं, यह वर भी मेरे को देने की कृपा करें। प्रभु मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विश्व से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कौतूहल हो रहा है, अतः आप यह भी बतावें। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। भारतवर्ष में ही शुभ अशुभ कर्मों का जन्म होता है, यहीं के कर्मों को शुभ या अशुभ की संज्ञा दी गई है। यहाँ सर्वत्र पुण्य क्षेत्र है, अन्यंत्र नहीं। अन्यंत्र प्राणी केवल कर्मों का फल भोगते हैं। पतिव्रते देवता दैत्य दानव गंधर्व यक्ष राक्षस तथा मनुष्य ये सभी कर्म के फल भोगते हैं, परंतु सबका जीवन समान नहीं है। उनमें से मानव ही कर्म का जनक होता है, अर्थात मनुष्य योनि में ही शुभ शुभ कर्म किए जाते हैं, जिनका फल सर्वत्र सभी योनियों में भोगना पड़ता है। विशिष्ट जीवधारी विशेषतः मानव ही सब योनियों में कर्मों का फल भोगते हैं और सभी योनियों में भटकते हैं। वे पूर्व जन्म का किया हुआ शुभ शुभ कर्म भोगते हैं, शुभ कर्म के प्रभाव से वे स्वर्ग लोक में जाते हैं और अशुभ कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में भटकना पड़ता है। कर्म का निर्मूलन हो जाने पर मुक्ति होती है। साध्वी मुक्ति 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्वाण स्वरूपा और दूसरी परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा रूपा। बुरे कर्म से प्राणी रोगी होता है और शुभ कर्म से आरोग्यवान। वह अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार दीर्घजीवी अल्पायु सुखी एवं दुखी होता है। कुछ से तो कर्म से ही प्राणी अंगहीन अंधे बहरे आदि होते हैं। उत्तम कर्म के फल स्वरूप सिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। देवी सामान्य बातें बताई गई, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और प्राणों में वर्णित है, इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी उन सब जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, वह समस्त कर्मों में प्रशस्त होता है। भारतवर्ष में विष्णु भक्त ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। पतिव्रते वैष्णव के भी 2 वेद हैं, सकाम और निष्काम। सकाम वैष्णव कर्म प्रदान होता है और निष्काम वैष्णव केवल भक्त। सकाम वैष्णव कर्मों का फल भोगता है और निष्काम वैष्णव शुभाशुभ भोग के उपद्रव से दूर रहता है। साध्वी ऐसा निष्काम वैष्णव शरीर त्याग कर भगवान विष्णु के निरामय पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे निष्काम वैष्णवों का संसार में पुनः रागवन नहीं होता। द्विज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकाम वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय अनुसार पुनः भारत वर्ष में लौट आते हैं। दो जातियों के कुल में उनका जन्म होता है, वे भी काल चक्र में से निष्काम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें निर्मल भक्ति भी अवश्य देते हैं। वैष्णव ब्राह्मण से भिन्न जो सकाम मनुष्य हैं, वे विष्णु भक्त से रहित होने के कारण किसी भी जन्म में विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं, वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारत वर्ष में आ जाते हैं। भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण तथा सूर्य भक्त शरीर त्यागने पर सूर्य लोक में जाते हैं और पुण्य भोग के पश्चात पुनः भारत वर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर शिव भक्ति तथा गणपति की उपासना करने वाले ब्राह्मण शिवलोक में जाते हैं, फिर उन्हें लौटकर भारत वर्ष में आना पड़ता है। जो धर्म रहित होने पर भी निष्काम भाव से श्री हरि का भजन करते हैं, वे भी भक्ति के बल से श्री हरि के धाम में चले जाते हैं। साध्वी जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, वे आचारहीन काम लोलोप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटी बुद्धि रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल
भोगने के लिए वे भारत वर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण स्वधर्म निरत विप्र को अपनी कन्या देने के फल स्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं और वहां 14 मन्वंतर काल तक रहते हैं। साध्वी, यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया तो उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। उन साधु पुरुषों में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, स्वर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्यात्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी, एक मन्वंतर तक वे वहां सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें वहां सुदीर्घ काल तक निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते, पवित्र ब्राह्मण को स्वर्ण, गौ और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्य लोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धान्य दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहां वास करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को ग्रह दान करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में जाते और वहां दीर्घ काल तक निवास करते हैं। वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रज कण हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है और घर में जितने धूल कण हैं उतने वर्षों तक वहां रहता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चौगुना पूर्त कर्म पापी कूप तलाक आदि के निर्माण के अवसर पर करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ तीर्थ स्थान में करने से 8 गुना फल होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। समस्त प्राणियों के उपकार के लिए तड़ाक का दान करने वाला 10,000 वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 100 गुना फल मिलता है। वह सेतु पुल का दान करने पर तड़ाक के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाक का प्रमाण 4,000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वही बापी कही जाती है। सतपात्र को भी दी हुई कन्या 10 बापी के समान पुण्य प्रदा होती है। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगुना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही उसके भीतर से कीचड़ और मिट्टी निकालने से सुलभ हो जाता है। बापी के कीचड़ को दूर कराने से उसके निर्माण कराने जितना फल होता है। पतिव्रते, जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह 1,000 वर्षों के लिए भगवान विष्णु के तपोलोक में जाता है। सावित्री, जो सबकी भलाई के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में स्थान पाता है। पतिव्रते, विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मन्वंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सज्जित किया गया हो तो उसके दान से 4 गुना फल प्राप्त होता है। शिव का दान में उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्य से मंदिर कार झूला दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते, जो सड़क बनवाता और उसके किनारे लोगों के ठहरने के लिए महल धर्मशाला बनवा देता है वह सत्पुरुष 1,000 वर्ष तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्राप्त करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारत वर्ष में जन्म पाता है उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण सर्व सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। धर्म रहित ब्राह्मण नाना योनियों में भटकते हैं और कर्म भोग के पश्चात फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म पाते हैं। कितना ही काल क्यों ना बीत जाए बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा काव्य व्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुमने बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो। सावित्री ने कहा, धर्मराज,
जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यात्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोक में जाते हैं वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते, ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष इंद्रलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास पाता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना होगा। इसमें ना कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और ना समय की। साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया गया हो तो हजारों वर्षों तक अन्नदेव के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ दान करता है वह गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गौदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय चौगुना, तीर्थ में सौगुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गौ प्रदान करता है वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गौ ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम शिला का दान करता है वह चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल तक वैकुंठ में सम्मान पूर्वक रहता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र का दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्ष तक वरुण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो ब्राह्मण को दो पादुकाएं प्रदान करता है उसे 10,000 वर्षों तक वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है वह ब्रह्म लोक में वास करता है। उस पुण्य से उसके नेत्रों में ज्योति बनी रहती है तथा वह यमलोक में नहीं जाता। भारत वर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आदि शासन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। ब्राह्मण को उत्तम शिविका पालकी प्रदान करने वाला विष्णु लोक में जाता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफेद चमर अर्पण करता है वह वायु लोक में सम्मान पाता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को धान का पर्वत देता है वह धान के दानों के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। दाता और प्रतिग्रहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा को रात भर देवोत्सव मनाने का प्रबंध करता है वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोगकर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उत्तर फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे दोगुना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह तिल के बराबर वर्षों तक विष्णु धाम में सम्मान पाता है। उसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीवी हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रखकर दान करने से दोगुना फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फल युक्त वृक्ष प्रदान करता है वह फल के बराबर वर्षों तक इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह सुयोग पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे हजार गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके उन्हें भारत वर्ष में जन्म पाता है। भारत वर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है वह उसके फल स्वरूप दीर्घ काल तक कुबेर के लोक में वास पाता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी, हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। फिर जहाँ की उत्तम प्रजाएं हों, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहला रही हो, अनेक प्रकार की पुष्प करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हों, ऐसा श्रेष्ठ नगर जो पुरुष भारत वर्ष में ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय तक वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारत वर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, बापी तड़ाक तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हों, ऐसे 100 नगर ब्राह्मण को दान करने वाला पुण्यात्मा वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। दीर्घ काल तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती, वह महान सम्राट होता है।
अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रते, जो पुरुष ब्राह्मण को जम्बूदीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जो सातों दीपों की पृथ्वी का दान करने वाले, संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले, समस्त तपस्याओं में संलग्न, संपूर्ण उपवास व्रत के पालक, सर्वस्व का दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के पारंगत तथा श्रीहरि के भक्त हैं, उन्हें पुनः जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का पतन हो जाता है, परंतु वे श्रीहरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में निवास करते रहते हैं। विष्णु मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपने मानव शरीर का त्याग करने के पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा से रहित द्रव्य रूप धारण करके श्रीहरि का सारूप्य पाकर उनकी सेवा में संलग्न हो जाते हैं। देवता, सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समय अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था उनके निकट नहीं आ सकती। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह पत्र संख्या के बराबर युगों तक भगवान के धाम में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है, वह भारत में सुखी एवं चिरंजीवी होता है। जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है, वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। माँ धनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। जो पुरुष मार्ग में अरुणोदय के समय प्रयाग की गंगा में स्नान करता है, उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि की भक्ति एवं मंत्र पाता है। भारत में जितेंद्रिय शिरोमणि होता है, पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का सारूप प्राप्त कर वह वहीं उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, यह निश्चित है। उसकी चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुंठ लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्क के मध्यवर्ती काल में भारत वर्ष में सुवासित जल का दान करता है, वह वैकुंठ में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान, सुखी, शिव भक्त, तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तु दान करने वाला पुरुष सत्तु कण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारत वर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। इस भारत वर्ष में श्री शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाता है, वह पत्र संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुख पूर्वक वास करता है। पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रति पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बेंत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे एक मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करें, उसे दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो मनुष्य भारत में रामनवमी का व्रत करता है, वह 7 मन्वंतरों तक विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है। फिर अपनी योनि में आकर राम भक्ति पाता और जितेंद्र शिरोमणि होता है। जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नित्य गीत तथा वाद आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह निर्मल बुद्धि पाता है। अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह राजराजेश्वर भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर भाद्रपद मास की शुक्लाष्टमी के अवसर पर एक पक्ष तक नित्य भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी की उपासना करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह वैकुंठ धाम में रहने का अधिकारी होता है।
भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रासमंडली संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है। उसकी भक्ति क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वह भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहां से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। क्रमशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ्य पुरुष होता है। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ सोणसोपचार से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और स्वर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन कराता है वह ब्राह्मण की रोम संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरों को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वह नाम संख्या के बराबर युगों तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है वह ध्रुव सत्य है। वह पुनः जन्म न पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है। उसे भगवान सारूप प्राप्त हो जाता है वहां से फिर गिर नहीं सकता। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालिग्राम की पूजा करके उनका चरणों तक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घकाल तक पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका अपने आना नहीं होता जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है। वह पुरुष इन सत्कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रतीक्षा करता है उसे निर्वाण पद मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह दीर्घ काल तक इंद्र के आदि आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे 4 गुना फल मिलता है। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों से भगवान विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा ने पूर्व काल में बड़े समारोह के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पतिव्रते उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को साप दिया था और नंदी ने ब्राह्मणों को। यही कारण है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डाला। पूर्व काल में दक्ष धर्म कश्यप शेषनाग कर्दम मुनि स्वयंभू मनु उनके पुत्र प्रियव्रत शिव सनत कुमार कपिल तथा ध्रुव ने विष्णु यज्ञ किया था। उसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का फल निश्चित रूप से मिल जाता है। वह पुरुष अवश्य अनेक कल्पों तक जीवन धारण करने वाला तथा जीवन मुक्त होता है। भामिनी जिस प्रकार देवताओं में विष्णु वैष्णव पुरुषों में शिव शास्त्रों में वेद वर्णों में ब्राह्मण तीर्थों में गंगा पुण्यात्मा पुरुषों में वैष्णव व्रतों में एकादशी पुष्पों में तुलसी नक्षत्रों में चंद्रमा पक्षियों में गरुण स्त्रियों में भगवती मूल प्रकृति राधा आधारों में वसुंधरा चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन प्रजापतियों में ब्रह्मा प्रजेश्वरों में प्रजापति वनों में वृंदावन
वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती देवी, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण, पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा तथा व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। प्राणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना को ही सारभूत माना गया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्त्रोतों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका चरणोदक और नैवेद्य ग्रहण करना, यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यही सिद्ध भी है। वत्से, अब तुम प्रकृति से परे तथा प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म श्री कृष्ण की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पतिदेव को लौटा देता हूँ, इन्हें लो और सुख पूर्वक अपने घर को जाओ। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया। यह प्रसंग सर्वेपसित सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू झलक पड़े, उसका शरीर पुलकायमान हो गया। उसने पुनः धर्मराज से कहा। सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से प्रकृति से भी पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूं? ये बताइए। भगवान में आपके द्वारा मनुष्यों के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी, अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनाने की कृपा करें। ब्राह्मण, सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना की, तब धर्म के अंशभूत जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जो सबके साक्षी हैं, जिनकी संपूर्ण भूतों में समता है, एतव जिनका नाम समन है, उन भगवान समन को मैं प्रणाम करती हूँ जो कर्मानुरूप काल के सहयोग से विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ जो पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त दंडनीय के लिए ही हाथ में दंड धारण करते हैं तथा जो समस्त कर्मों के उपदेशक हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों का तथा उनकी समूची आयु का निरंतर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गति को रोक देना अत्यंत कठिन है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ जो तपस्वी वैष्णव धर्मात्मा देने को उदत हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ जो अपनी आत्मा में रमन करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्मा पुरुषों के मित्र तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ जिनका जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ है तथा जो ब्रह्म तेज से सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन ब्रह्मवंशी भगवान धर्मराज को मेरा प्रणाम है। मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को विष्णु भजन तथा कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है तो यमराज अपने काव्य व्यू से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय।